हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेंद्र राजावत श्रीजवा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय। तो हम इसके बारे में क्या क्या जानने वाले हैं आज, इसका एक ओवरव्यू मैंने पहले लिख दिया है, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, फिर इसका एक प्रूफ देखेंगे, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके इसके डिफरेंट केसेस को भी समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग केस के अंदर अलग अलग तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहीं नीचे इसका मैंने बता भी दिया है कि यूज करना सीखेंगे। इसका यूज बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिविजन एल्गोरिथम पढ़ा था। वहाँ हमने क्या किया था, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखा था। उसके अंदर क्या होता था, जैसे मान लो एक पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, इसको हम जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन आता था और कुछ रिमाइंडर आता था। तो हमारे पास रिमाइंडर फाइंड करने का एक तरीका ये था कि हम क्या करें, प्रॉपर डिविजन करें और लास्ट में जो बच जाए वो क्या है, हमारा रिमाइंडर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं जिनका हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, प्रॉपर डिवीजन करे बिना भी रिमाइंडर अर्थात उनका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। वो स्पेशल केसेस ही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो इनका यूज क्या होता है, टू फाइंड रिमाइंडर, यानी कि शेषफल ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर हम इसके ऊपर एनटीएससी लेवल के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक स्टेटमेंट देख लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, फिर इसका प्रूफ देखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो कि यहाँ क्या बोला है कि पी एक्स एक कोई पॉलिनोमियल है, कैसा भी पॉलिनोमियल हो सकता है, उसकी डिग्री क्या है, एक या एक से ज़्यादा उसकी डिग्री का कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है। उसने क्या बोला है कि ए कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, -5, -6, 1/2, ऐसा कोई भी एक रियल नंबर है ए, और पी एक्स एक क्या है, पॉलिनोमियल। अगर हम इस वाले पॉलिनोमियल को ध्यान से देखना, किससे डिवाइड करें, एक्स माइनस ए से, ये वाला ए यहां लिखना है। अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर आता है आर, वो किसके बराबर होता है, इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या कर दो, एक्स की जगह पे एक वैल्यू पुट कर दो, और वैल्यू पुट करने के बाद में जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी, यानी कि पॉलिनोमियल का मान आएगा, बहुपद का जो मान आएगा, उसके बराबर आता है। अब मैं एक बार वापस बता देता हूँ, फिर इसका प्रूफ देखते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे और क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो देखो, एक पी एक्स पॉलिनोमियल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिग्री क्या है, एक से ज़्यादा होनी चाहिए, एक या एक से ज़्यादा डिग्री का होना चाहिए, और ए कोई भी एक नंबर है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। मैं एक एग्जाम्पल भी साथ के बता देता हूँ। देखो कि जैसे मान लो कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल में लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1 है, और मेरे पास ए एक नंबर है 3। अगर हम इस पॉलिनोमियल को किससे, एक्स माइनस 3 से क्या करें, डिवाइड करें, तो एक तो तरीका है कि हम इसको प्रॉपर डिवाइड करके देख ले और लास्ट में जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास इस टाइप की कोई कंडीशन बनती है, ऐसी सिचुएशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका रिमाइंडर पता कर सकते हैं। वो कितना होगा, आर बराबर कितना आएगा, इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट कर दूँ, ये ए वाली वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे को रिमाइंडर मिल जाएगा। हम इस तरीके से भी करके देख लेते हैं और इससे भी आंसर निकाल के देख लेते हैं, देखते हैं दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता है। तो देखो, तो पॉलिनोमियल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1, यहाँ सब जगह 3 लिखना है, तो 3² + 2 × 3 + 1, 3² हो गया 9 + 6 + 1, तो इसका आंसर कितना आया, रिमाइंडर 16 आया। हम इसको प्रॉपर डिवाइड करके भी देख लेते हैं, जिससे क्लेरिफाई हो जाएगा कि भाई हमारा आंसर ये सही है, और प्रूफ देखेंगे फिर इस अगली स्लाइड पे हम। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को, हाईएस्ट पावर वाले टर्म को किससे डिवाइड करेंगे, इसके हाईएस्ट पावर वाले टर्म से, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स से करेंगे, तो एक्स से एक्स कट गया, एक एक्स बच गया। वो कहाँ करेंगे नोट, क्वेश्चन में नोट कर लिया। अब इस x को क्या करेंगे, इन दोनों से डिवाइड करेंगे, तो x को x से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और x को -3x से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3x आएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये तो हो गया 0, ये 2x + 3x कितना हो गया, 5x, और प्लस 1। अब इसके बाद में मैं यहाँ कर देता हूँ इसको सोल्व नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ हमारे x माइनस 3 है, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो
तो 5x है, तो 5x को x से डिवाइड करेंगे, x से x कट गया, कितना बचा 5 बचा, तो जो 5 आएगा उसको हम कहां नोट कर सकते हैं, यहां नोट कर देते हैं x प्लस 5। अब इस 5 से क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास पहले ऑलरेडी कितना था 5x प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का हो गया ये, प्लस का हो गया, देखो ये 0 हो गया और ये कितना हो गया प्लस का 16। अब यहीं स्टॉप कर देंगे क्योंकि इसकी जो पावर है वो 0 है और इसकी पावर 1 है। जैसे इसकी पावर क्या हो, इस वाले की पावर, रिमाइंडर वाले की पावर क्या हो जाए, इसकी पावर से कम हो जाए, तो उसी केस में हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो देखो क्या हमारा रिमाइंडर वही आया जो हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था। तो रिमाइंडर थ्योरम का अगर आप लोगों को ये मेथड नहीं आता है तो इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 6 जरूर देखना, क्योंकि उसी लेक्चर में मैंने क्या किया है, डिवाइड करने वाले पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने वाले क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे करवाए हैं और पूरे कंसेप्ट को भी डिटेल में समझाया है। तो अगर आप लोगों ने पहले ये वाला, अगर ये आप लेक्चर नंबर 7 देख रहे हो तो इससे पहले लेक्चर नंबर 6 जरूर देखिए। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद में इसका प्रूफ देखते हैं, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। देखो क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा कि पी एक्स एक या एक से ज्यादा डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसको हमने क्या किया, एक ए कोई रियल नंबर था, उसके हिसाब से फिर हमने एक्स माइनस ए से डिवाइड किया, डिवाइड करने पे कुछ रिमाइंडर आया, कुछ क्वेश्चन आया। और इसके बारे में हमें क्या पता है, डिवाइड करते वक्त हमें पता है कि जो डिविडेंड होता है यानी भाज्य होता है वो क्या होता है, डिवाइजर और क्वेश्चन के मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल के बराबर होता है। यानी कि भाज्य किसके बराबर होता है, भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया, आप वो जरूर देख लीजिए। तो देखो डिविडेंड क्या है, किसको हम डिवाइड कर रहे हैं, पी एक्स के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ए हमारा क्या था, कोई एनी रियल नंबर था, यानी कि कोई भी एक वास्तविक संख्या थी। तो यहां क्या है, जिससे डिवाइड किया, डिवाइजर क्या है, भाजक कितना है, एक्स माइनस ए, मान लो कि कुछ आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा क्यू एक्स है, प्लस कुछ रिमाइंडर बचेगा, आर बचेगा। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, पी ए के बराबर होता है। यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दो एक्स बराबर ए के ऊपर, तो वही वैल्यू जो आएगी पॉलिनोमियल की वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो देखो हमने क्या किया, इस वाली एक तरीके से एक इक्वेशन बन गई है, इसके अंदर एक्स बराबर ए पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पी ए हो गया, यहाँ ए माइनस ए हो गया, और यहाँ क्या हो गया, क्यू ए हो गया, प्लस कुछ रिमाइंडर बचेगा जिसकी जगह पे मैं आर लिख के चल रहा हूँ। तो ध्यान से देखो ए माइनस ए कितना हो गया, जीरो हो गया, तो यहाँ जीरो लिख दिया, और क्यू ए प्लस आर, जीरो को क्यू ए से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, लास्ट में केवल कितना बचा, आर। तो देखो क्या पी ए की वैल्यू आर के बराबर आ गई, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो देखो हमने ये चीज़ क्या कर दी, प्रूफ कर दी, हैंस प्रूव्ड। तो हम बोल सकते हैं कि हमने जो स्टेटमेंट लिखा था रिमाइंडर थ्योरम का वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए प्रूफ, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं और फिर इसके अलग अलग, पहले काम करते हैं इसके अलग अलग डिफरेंट केसेस पढ़ लेते हैं कि अगर x माइनस ए की जगह कुछ और हो उससे भी डिवाइड कर सकते हैं क्या, तब रिमाइंडर कितना आएगा। तो ये एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसके स्पेशल केसेस पढ़ के फिर क्वेश्चंस करते हैं। अब हम देखते हैं इसके स्पेशल केसेस क्या है। तो सबसे पहले हमने जो पहला केस पढ़ा था वो क्या था कि अगर हमारा जो डिवाइजर है अर्थात जो भाजक है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो एक्स माइनस ए है, तो जो पॉलिनोमियल का रिमाइंडर आता था डिवाइड करने के बाद में, मतलब प्रोसीजर, पूरे प्रोसीजर के बाद में जो रिमाइंडर बचता था वो क्या होता था, पी ए। तो हम ऐसा समझ सकते हैं, देखो एक्स माइनस ए को जीरो के बराबर पुट किया और एक्स की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी हमारे को, ए रखते ही हमारे को क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर अर्थात शेषफल मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर x प्लस ए से अगर हम डिवाइड करें पॉलिनोमियल को, तो इसको ऐसा समझ सकते हैं, देखो x माइनस माइनस ए समझ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये यही है, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, माइनस ए पुट कर देंगे, तो हमारे को क्या मिल जाएगा पॉलिनोमियल का, मतलब डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर मिल जाएगा यानी शेषफल मिल जाएगा।
तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी पुट कर सकते हैं कि जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखो ये सारे के सारे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है, अर्थात रैखिक बहुपद है। क्यों हमने ये लिया है, देखो अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जिसको हम डिवाइड करते थे, जो पी एक्स था हमारा, इसकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए थी, एक या एक से ज़्यादा, इसकी घात एक या एक से ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो डिवाइड हम तभी कर सकते हैं जब जिसको जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री क्या हो, या तो एक हो या उससे कम हो। तो देखो यहाँ क्या है, ये सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के डिफरेंट केसेज हो सकते हैं, आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि जैसे अगर x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, x माइनस ए को जीरो के बराबर पुट करो, x की जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसी के ऊपर हमारे को पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अगर x की वैल्यू क्या हो, x प्लस मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो x प्लस a हो, तो हम क्या करेंगे, x प्लस a को जीरो के बराबर पुट करेंगे, a इधर प्लस में उधर जाके माइनस का हो गया, यानी x बराबर माइनस a के ऊपर जो भी वैल्यू निकल के आएगी पॉलिनोमियल की बहुपद की, वही क्या होगा हमारा, रिमाइंडर था शेषफल होगा। उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, इस वाले केस में भी क्या करेंगे, हमारे को अगर रिमाइंडर निकालना है तो क्या करो, ए एक्स प्लस बी को जीरो के बराबर पुट करो, तो एक्स क्या आएगा, देखो बी उधर जाके माइनस का हो गया और ए इधर आके डिवाइड के हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए, यही क्या होगी हमारे पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होगा। इसके ऊपर वैल्यू फाइंड कर लो पॉलिनोमियल की, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपका क्लैरिफाई हो जाएगा। देखो ऐसे ही, देखो ए एक्स माइनस बी टाइप का दिया हुआ हो कोई भी पॉलिनोमियल जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उस वाले केस में क्या होगा, देखो इस माइनस बी को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का भी हो जाएगा और ए इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स बराबर बी बाई ए के ऊपर जो वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की बहुपद का जो मान आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। उसी तरीके से माइनस ए एक्स प्लस बी के देखें, बी को देखें तो माइनस बी को उधर लेके जाएंगे, सॉरी प्लस बी को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का भी हो जाएगा और डिवाइड में आ गया माइनस का ए, माइनस से माइनस कट हो गया तो क्या आ गया बी बाई ए, यानी कि पॉलिनोमियल की बी बाई ए के ऊपर वैल्यू निकाल दो वही हमारे क्या होगा बहुपद का, जो डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा रिमाइंडर था शेषफल निकल के आएगा। उसी तरीके से एक और स्पेशल केस है कि माइनस ए एक्स माइनस बी टाइप का कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ हो तो इसका हमें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर पुट करो, तो माइनस भी उधर जाके प्लस का भी हो गया, माइनस का ए इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, तो ऊपर नीचे कहीं भी माइनस हो तो दोनों का कॉमन माइनस है, तो मैंने ऊपर माइनस लगा दिया है माइनस बी बाई ए, तो इस पॉलिनोमियल की हम क्या करेंगे माइनस बी बाई ए के ऊपर वैल्यू फाइंड करेंगे वही हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा। तो ये सभी केसेस भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो भी हमने जो पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चंस करके देखते हैं, उसको अप्लाई करके देखते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसको। देखो तो हमें क्या है, ये पांच क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इन पांचों को सोल्व करते हैं तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखो पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और जी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिससे हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है पी एक्स को और रिमाइंडर बताना है। तो ध्यान से देखो, अभी हमने यही पढ़ा था कि x माइनस ए टाइप का कोई पॉलिनोमियल है उससे अगर डिवाइड करें, या इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल हो, या इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल हो, या फिर इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल हो, या फिर इन दोनों में से किसी एक टाइप का पॉलिनोमियल हो, तो उनसे अगर किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर आता है वो कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले क्या कर लो, x माइनस ए को जीरो के बराबर पुट कर लो, यहाँ से x की क्या वैल्यू आई, वन आई, तो इस वाले पॉलिनोमियल की क्या कर लो, x बराबर वन के ऊपर वैल्यू फाइंड कर लो, वही हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा। तो r कैसे फाइंड करेंगे, p1 होगा, वही क्या होगा r होगा। तो हम देखो वैल्यू पुट करते हैं, वन पावर फोर माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई वन प्लस वन। तो देखो वन का कितनी भी पावर हो वन ही आता है, वन की कितनी भी पावर हो वन होगा, वन मल्टीप्लाई थ्री कितना हो गया, थ्री हो गया, प्लस टू प्लस वन, तो देखो वन टू और ये फोर टोटल मिला के कितना हो गया, फोर, फोर में से थ्री गया तो वन, यानी इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, आर बराबर वन आएगा। हमने क्या किया, इसको जीरो के बराबर पुट किया और यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आई है उसी के ऊपर पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दी और ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही क्या होगा हमारा रिमाइंडर होगा। देखो इससे कितना आसान हो गया, वन हम प्रॉपर तरीके से डिवाइड करके भी क्या कर सकते थे, ये फाइंड कर सकते थे, लेकिन देखो यहाँ एक ही स्टेप में हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। उसी तरीके से अगले वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो क्या बोला है, एक्स माइनस ए
इसके ऊपर क्या करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर, मतलब इससे डिवाइड करने पे पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड करना है हमारे को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस ए को जीरो के बराबर पुट करो, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x बराबर माइनस ए, उधर जाके क्या हो गया, प्लस का a हो गया। तो इस x बराबर a के ऊपर जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी पी एक्स की, वही हमारा क्या होने वाला है, रिमाइंडर होने वाला है। तो जो r आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो कितना आएगा, पी ए। तो हम क्या करते हैं, इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं x बराबर a के ऊपर। तो देखो ये कितना होगा, ए क्यूब माइनस ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस सिक्स मल्टीप्लाई ए माइनस ए। तो देखो ये ए क्यूब हो गया, और ए और ए स्क्वायर ये भी ए क्यूब हो गया, और ये सिक्स ए हो गया, ये माइनस ए हो गया। तो देखो ये तो जीरो हो गया और सिक्स ए में से ए गया, तो कितना बचा, फाइव ए। तो हम बोल सकते हैं इस पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर आएगा डिवाइड करने के बाद में, वो कितना आएगा, मतलब पॉलिनोमियल को इसको इससे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो आर बराबर कितना होगा, फाइव ए होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने देखो कितनी जल्दी कर लिया, एक स्टेप के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। उसी तरीके से इस वाले केस के अंदर देखें तो क्या करेंगे, x प्लस टू को सबसे पहले जीरो के बराबर पुट करो, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x बराबर प्लस का टू, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की x बराबर माइनस टू पे वैल्यू निकालनी है, वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो हम वैल्यू निकालते हैं, देखो p माइनस टू, तो क्या करें, यहाँ हर जगह क्या करो, माइनस टू पुट करो, तो टू मल्टीप्लाई माइनस टू पावर फोर माइनस सिक्स, सॉरी यहाँ माइनस टू पावर फोर नहीं होगा, आई थिंक थ्री है, यहाँ देखो थ्री कर लेना यहाँ, तो माइनस टू पावर थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस टू स्क्वायर माइनस माइनस टू प्लस टू, इसके ऊपर हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये जो हमारा वैल्यू आएगी वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि r बराबर क्या होगा, ये होगा। तो देखो वैल्यू फाइंड करते हैं, माइनस टू की पावर कितनी है, इवन है, मतलब कि सम है। तो जब माइनस माइनस और ऐसे आपस में सबको मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस के नंबर को, प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, और फिर वापस कितना हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ इसके आंसर कितना आएगा, टू मल्टीप्लाई टू को चार बार मल्टीप्लाई करो, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, और एट टू जा सिक्सटीन, यानी कि सोलह आ गया। इसी तरीके से देखो ये क्या है, माइनस का थ्री, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, टू की पावर थ्री करेंगे तो कितना आएगा, एट आएगा, और एट को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी एट आ गया। फिर यहाँ देखो माइनस टू का स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो गया, दो का स्क्वायर चार हो गया, चार को दो से गुणा करेंगे तो आठ हो गया, और ये माइनस हो गया, यहाँ कितना है, माइनस माइनस प्लस का टू और प्लस टू। तो इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो ये कितना हो गया, थर्टी टू, ये फोर्टी एट प्लस एट और टू टेन प्लस टू ट्वेल्व हो गया। तो देखो फोर्टी एट प्लस ट्वेल्व तो हो गया सिक्सटी, सिक्सटी प्लस थर्टी नाइन्टी, नाइन्टी प्लस टू कितना हो गया, नाइन्टी टू। तो हमारे इस पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, आर बराबर नाइन्टी टू, डिवाइड करने पे इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे हमारा जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना होगा, 92 होगा। ये मेथड बहुत ही आसान है, बस हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें किसके ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको जीरो के बराबर पुट करोगे, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर वैल्यू फाइंड कर लो, यानी उसके ऊपर मान ज्ञात कर लो बहुपद का, वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर अर्थात शेषफल होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ एक्स बराबर क्या आएगा, वन बाई टू आएगा, अगर जीरो के बराबर पुट करोगे तो इसको, क्योंकि माइनस का वन बाई टू उधर जाके प्लस का वन बाई टू हो जाएगा। अब क्या करना है, एक्स बराबर वन बाई टू के ऊपर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो देखो फाइंड करते हैं, तो रिमाइंडर बराबर क्या आएगा, पी वन बाई टू होगा। तो देखो वैल्यू फाइंड करते हैं, फोर मल्टीप्लाई वन बाई टू पावर थ्री माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाई वन बाई टू पावर टू हो गया, यानी स्क्वायर हो गया इसका, प्लस फोर्टीन मल्टीप्लाई वन बाई टू और लास्ट में माइनस का थ्री है। तो देखो ये कितना होगा, फोर मल्टीप्लाई वन बाई टू का क्यूब करोगे तो वन बाई एट हो गया, वन का क्यूब वन होता है, और दो का पावर तीन करोगे तो कितना हो गया, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट हो गया, माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाई ये वन बाई फोर हो गया, प्लस देखो ये यहाँ से सेवन टाइम डिवाइड हो गया, सेवन हो गया, प्लस वो सॉरी लास्ट में माइनस का थ्री हो गया। तो देखो ये वन, ये टू टाइम डिवाइड हो गया, ये यहाँ थ्री टाइम डिवाइड हो गया, तो यहाँ कितना होगा, देखो लास्ट में वन बाई टू बच गया यहाँ, या माइनस का थ्री है और यहाँ माइनस का थ्री है, माइनस का सिक्स हो गया, और प्लस का सेवन करोगे तो प्लस का वन हो जाएगा, और वन बाई टू के अंदर जब हम क्या करेंगे,
वन प्लस करेंगे तो यानी कि आधे में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, डेढ़ आएगा, यानी कि 3/2 हमारा आंसर हो गया। तो इसका रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3/2 मिलेगा, तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसी के साथ में हम अगले वाले पॉलिनोमियल को भी सोल्व करते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को इधर सोल्व कर देता हूँ। देखो हमें क्या करना है, 3x-1 से इसको डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को, और रिमाइंडर बताना है। उसी तरीके से 1-3x से भी डिवाइड करके देखना, देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले तो क्या करूँ, 3x-1 को 0 के बराबर पुट कर लूँ। उसी तरीके से मैं साथ में इसको भी कर लेता हूँ, 1-3x को भी किसके बराबर पुट कर लेता हूँ, 0 के बराबर। तो देखो यहाँ से माइनस उधर जाके प्लस का हो गया और 3 इधर आके डिवाइड का हो गया, यानी एक्स बराबर 1/3 पे वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसके हिसाब से देखें तो देखो 1 उधर जाके माइनस का हो गया, ये माइनस का 3x इधर बच गया, और माइनस से माइनस कट गया। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये भी कितने पे, 1/3 के ऊपर हमारा वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1/3 पे वैल्यू फाइंड करते हैं और जो भी वैल्यू निकल के आएगी वही हमारे पॉलिनोमियल का रिमाइंडर हो जाएगा। तो देखो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, P1/3 फाइंड करेंगे। तो वो कैसे पुट करें, तो देखो यहाँ कितना होगा, एक्स की पावर 3 है, यानी 1/3 की पावर कितनी हो गई, 3, माइनस 6 मल्टीप्लाई 1/3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ कितना है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/3 और माइनस का 4 है। तो सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, क्या आता है देखो, ये देखो तो 1/3 का क्यूब करोगे तो 1/27 हो गया, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, इधर कितना 6/9 करोगे तो मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। देखो 3 से 2 टाइम कट रहा है और ये 3 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना आएगा, 2/3 आएगा, और ये भी कितना हो गया, 2/3 हो गया, और ये माइनस का 4 हो गया। तो देखो ये तो डिवाइड हो गया, 0 हो गया, मतलब माइनस हो गया, 0 हो गया, केवल कितना बचा, 1/27 - 4। तो जब इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, 27 LCM आ गया, और मैं दूसरा वो ले लेता हूँ मार्कर। देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, और इसका इसमें डिवाइड करेंगे 27 टाइम आएगा, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 108 आएगा। जब इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 107/27। तो इस वाले केस के अंदर जो रिमाइंडर आने वाला है वो कितना आएगा, -107/27। तो ये हमने क्या कर लिए, 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देख लिया। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और सोल्व करते हैं, फिर अच्छे वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये भी नोट कर लीजिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम, जिससे कि हमारा ये वाला टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या बोला है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 2x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ देम, यानी कि इन पांचों से अगर इस वाले पॉलिनोमियल को विभाजित किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो रिमाइंडर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले x + y से अगर डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x + y को अगर 0 के बराबर पुट करें तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -π मिलेगी। तो इस वाले पॉलिनोमियल से, यानी कि x + y से अगर इसको डिवाइड किया जाए, तो मान लो कि ये कितना है, px है, तो हमारे को जो रिमाइंडर मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, x - π के ऊपर इस पॉलिनोमियल की जो भी वैल्यू निकल के आएगी वही वैल्यू क्या है, हमारा रिमाइंडर है। तो क्या करोगे, देखो -π³ + इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं, देखो p - π बराबर क्या होगा, -π³ + 2 - π² + 3 - π + 1 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, देखो माइनस का पावर, माइनस पाई की पावर 3 है तो 3 ओड है, तो जब माइनस माइनस करोगे प्लस होगा, और प्लस माइनस करोगे वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस और पाई की पावर 3 आ गया, प्लस या माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, पाई की पावर 2 है तो पाई स्क्वायर हो गया, 2 - π² हो गया, या देखो प्लस और माइनस माइनस हो गया, 3 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 3π हो गया, +1 हो गया। तो यानी कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, ये वाली वैल्यू ही हमारा रिमाइंडर है। अगर वो आगे बोलता है कि पाई की जगह पे वैल्यू पुट करके आंसर भी फर्दर आगे सोल्व करना है तो हम आगे भी सोल्व कर देंगे, वरना यही हमारा क्या है, इसका आंसर हो गया। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है,
कि 5 प्लस 2x से डिवाइड करना है इसको और रिमाइंडर बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 प्लस 2x को 0 के बराबर पुट करो, यानी कि 2x बराबर कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया उधर जाके, और x बराबर कितना आ गया यहाँ से 2, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो माइनस 5 बाई 2 के ऊपर क्या करनी है, हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो देखो वैल्यू फाइंड करते हैं इस पॉलिनोमियल की माइनस 5 बाई 2 पे। तो माइनस 5 बाई 2 का क्यूब हो गया प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 बाई 2 स्क्वायर होगा प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 5 बाई 2 और प्लस 1 होगा। तो देखो माइनस 5 बाई 2 का क्यूब करेंगे तो माइनस 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 को 5 से करेंगे 25 आएगा 25 आएगा, और 25 को फिर 5 से करेंगे तो 125 आएगा। उसी तरीके से 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया, प्लस यहाँ माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 को 5 से करेंगे तो 25 हो गया और डिवाइड बाई 4 हो गया, इस 4 से ये 2 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो आंसर कितना आया इसका 25 बाई 2 आ गया। और यहाँ देखो प्लस का है और ये माइनस का है, माइनस का हो गया 5 3 जा 15 हो गया और डिवाइड बाई 2 प्लस 1। इन सब का एलसीएम ले लो तो 8 एलसीएम आ रहा है इनका। तो देखो आगे सोल्व करते हैं, ये हो गया माइनस 125 प्लस, यहाँ इसका वो करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, मतलब डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया, इसका इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम डिवाइड होगा, 4 को 15 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा, 60 आएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 8 होगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया। अब देखो माइनस 125 प्लस 100 तो ये कितना हो गया, माइनस 25 हो गया, माइनस 25 और माइनस 60 माइनस 60 कितना हो गया, माइनस 85 हो गया, माइनस 85 के अंदर हमने कितना प्लस किया, 8 प्लस किया तो ये कितना हो गया, माइनस 77 डिवाइड बाय 8 हो गया। तो यही क्या है हमारा आंसर हो जाएगा इसका, देख लो कुछ गलती तो नहीं हुई है ना हमारे से, क्वेश्चन ये दिया हुआ था 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 5 बाई 2, माइनस 5 बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 4 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 से 2 डिवाइड हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये भी सही है, ये 4 टाइम डिवाइड हुआ ये आएगा 100 आ जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 टाइम फिर ये 60 आ जाएगा, और ये प्लस का 8 आ जाएगा तो माइनस, ये माइनस 25 हो गया और ये माइनस का 85 हो गया और प्लस का तो माइनस 77 बाई 8, यही क्या है हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर है। अब देखो अगले वाले क्वेश्चन को देखो सोल्व करते हैं, तो यहाँ क्या है, जो ए वाला टर्म होता था वो है ही नहीं, तो इसको क्या समझ सकते हैं, x प्लस 0 समझ सकते हैं या x माइनस 0 समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की p 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है, वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो x बराबर 0 पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, केवल क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 ही हमारा क्या है, रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस चीज को भी नोट कर लीजिए, फिर हम अगले वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो थर्ड हो गया, फोर्थ पे आते हैं, तो x माइनस 1 बाई 2 बराबर 0 पुट करोगे तो यहाँ से x बराबर कितना मिला, 1 बाई 2, तो x बराबर 1 बाई 2 पे हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर अर्थात शेषफल होगा। तो देखो यहाँ फाइंड कर देता हूँ मैं, तो p 1 बाई 2 बराबर क्या होगा, 1 बाई 2 का क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 और प्लस 1। इसको आगे सोल्व कर देता हूँ, यहाँ देखो 1 बाई 2 का क्यूब करोगे तो 1 बाई 8 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 4 हो गया प्लस 3 बाई 2 हो गया और प्लस 1 हो गया। तो देखो ये कितना हो गया, 1 बाई 2, 1 बाई 2 और 3 बाई 2 यानी कि आधा प्लस डेढ़, 1.5 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो इसको अगर सम करेंगे आगे तो 1 बाई 8 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा, नीचे 1 लगाओ, नीचे एलसीएम 8 आ रहा है, इसका तो आ गया 1 और इसको इससे डिवाइड करेंगे 8 टाइम होगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 25 बाई 8, यही क्या है हमारा, रिमाइंडर होगा। तो देख लो कुछ गलती तो नहीं हुई है ना, गलती तो आई थिंक नहीं होगी, 2 प्लस 3 सही है, 1 बाई 3 का क्यूब करना है प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 स्क्वायर करना है तो कितना होगा, 1 बाई 4 हो गया, इससे डिवाइड हो गया तो 1 बाई 2 बच गया, ठीक है,
प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 बाई टू करेंगे 3 बाई टू होगा, लास्ट में प्लस 1 ही था ना, हाँ ठीक है 1 बाई टू करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 1 बाई टू प्लस 3 बाई टू, ये तो हो गया 2, और 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ जब एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 8 का 8 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे 8 टाइम होगा, 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 कितना हो गया 25 बाई 8 हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, इसका आंसर क्या हो गया ये हो गया। इन दोनों को भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम इस फिफ्थ को x प्लस 1 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आएगा वो फाइंड करते हैं। देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले x प्लस 1 को किसके बराबर पुट करोगे, 0 के बराबर पुट करोगे, तो यहाँ से x बराबर कितना मिला माइनस का 1 मिल जाएगा, क्योंकि प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो गया। अब हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो क्या करना है, इस पॉलीनोमियल की x बराबर माइनस 1 के ऊपर वैल्यू फाइंड करोगे, वही वैल्यू क्या होगी हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल होगा। तो देखो माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 और प्लस 1, तो यहाँ देखो माइनस 1 का क्यूब करोगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, और 1 को 2 से करोगे तो 2 हो गया, और यहाँ प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 होगा प्लस 1 होगा। तो देखो माइनस 1 और माइनस 3 तो माइनस 4 हो गया, और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया, जब आगे सोल्व करोगे तो कितना आएगा माइनस का 1, यानी यहाँ हमारा जो रिमाइंडर आया वो कितना है माइनस 1 आया है। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, फिर हम अच्छे क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी सोल्व करके देखते हैं, जिससे कि हमारे को अगर टफ पेपर भी बनता है तो वो भी करना आ जाएगा। तो देखो क्या बोला है, ये तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन तो कर लिया है, लेकिन ये क्या है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैं क्या करवा रहा हूँ यहाँ सोल्व करवा रहा हूँ। तो देखो जैसे एफ एक्स एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x पावर 4 प्लस 2x पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एक्स बाय 9 प्लस 2 बाय 27। इस वाले पॉलिनोमियल को जी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 बाय 3 से जब डिवाइड किया जाता है तो हमें यह बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 के बराबर पुट करो, तो यहाँ से हमारे को x की वैल्यू क्या मिली माइनस 2 बाई 3। हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के माइनस 2 बाई 3 के ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है, जो वैल्यू आएगी माइनस 2 बाई 3 पे वही हमारा क्या होगा पॉलिनोमियल को, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने पे यानी कि इसको इसमें भाग देने पर जो रिमाइंडर यानी शेषफल आएगा वो हमारा मिल जाएगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर r बराबर क्या होगा p माइनस 2 बाई 3 के ऊपर वैल्यू फाइंड करेंगे इस पॉलिनोमियल की। तो देखो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 बाई 3 पावर 4 हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। देखो r बराबर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 बाई माइनस 2 बाई 3 पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 बाई 3 पावर 3 प्लस सॉरी माइनस माइनस 2 बाई 3 स्क्वायर माइनस माइनस 2 बाई 3 और प्लस 2 बाई 27। तो ये स्लाइड पे नहीं आ रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ तो आर। अब आगे फर्दर सोल्व करते हैं, तो देखो 3 और नीचे 3 पावर 4 है तो 1 3 कट जाएगा, नीचे कितने 3 बच जाएंगे, 3 3 बच जाएंगे, तो 3 की पावर 3 कितना हो गया 27। और उसी तरीके से माइनस 2 की पावर 4 करे तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 16 आ गया। फिर यहाँ देखो माइनस 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 तो नीचे कितना हो गया 27 हो गया, और यहाँ देखो माइनस 2 की पावर 3 तो ये माइनस का 8 होगा, माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस का 16 हो जाएगा। उसी तरीके से माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा माइनस 4 बाई 9 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 बाई 3 हो गया, और लास्ट में प्लस का 2 बाई 27 ऐसे कैसे आ रहा है। तो देखो ये तो 0 हो ही गया, अब इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं हम, तो एलसीएम कितना आएगा 27 आएगा इन तीनों का एलसीएम, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 9 टाइम, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 18, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। तो देखो ये दोनों तो सोल्व करोगे आगे तो कितना आएगा, कुछ गलती तो नहीं हुई है ना, देख लो एक बार,
थ्री है माइनस टू का पावर करेंगे तो ये होगा माइनस टू, सही है। माइनस टू स्क्वायर करोगे तो 4/9 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2/3 हो गया, और प्लस का 2/27 दिया हुआ है। हाँ यही है हमारे को, देखते हैं आगे क्या आंसर आता है। ये माइनस का ही होगा ना, पहले माइनस का ही दिया हुआ, पहले प्लस का दिया था, सही है माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा, सही है, और ये प्लस का 2/27 दिया है। मैं एक बार क्लेरिफाई कर लेता हूँ देखो, वरना बाद में गलत हो जाएगा फिर। हाँ सही है हमारा ये, तो देखो कितना आंसर आता है, और यहाँ कितना है 27/18 आया, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, सही है। नहीं कुछ गलती हो रही है आई थिंक यहाँ, देखो क्या गलती है, एक बार वापस से देख लेते हैं इसको। 3 की पावर 4 है तो ये कितना हो गया, 1 3 से 1 3 कट गया, यहाँ 3 था, सही है। 27 3 3 जा 9 9 3 जा 27, सही है। माइनस 2 की पावर 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, सही है ये। फिर माइनस 2 की पावर 3 करेंगे -8, और -8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, और 3 की पावर 3 करेंगे तो 27, ये भी सही है। फिर यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस तो नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है ना, सॉरी यहाँ देखो एक चीज़ मिस हो गई, हमने एक्स की जगह वैल्यू पुट की है, और यहाँ नीचे वाला 3 क्या हो गया, बच गया, यानी कि यहाँ कितना होगा 1/3 होगा, और यहाँ कितना होगा 1/9 होगा, तो ये मिस हो गया था देखो। तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, और नीचे कितना हो गया 27 हो गया। तो देखो भाई इसका तो कितना आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 4 और 3 का स्क्वायर करोगे 9, और क्या होगा देखो 4 और नीचे 9 3 जा 27 हो गया। उसी तरीके से यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 होगा, और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 27 हो जाएगा। तो अब आगे इसको सोल्व करके देखते हैं। देखो ये गलती से क्या हुआ था, मैंने ये वाला 3 क्या है यहाँ समझ लिया था, एक्चुअल में x की जगह वैल्यू रखनी थी ना -2/3, तो उसका स्क्वायर हो गया, और यहाँ x की जगह क्या हो गया -2/3 हो गया, और ये 1/9 और 1/3 ऐसे कैसे बाहर हमने लिख दिया। तो देखो अब सही है हमारा आंसर आएगा, देखो या इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 हो गया, -4 आया, प्लस यहाँ 1 आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, -4 +2 और +2 ये आगे 0 हो जाएगा सोल्व करने पे, तो हमारे को जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उसको हमने कवर कर लिया है, सुधार लिया है। तो ये भी क्या हो गया, एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी, हमने ये भी आगे नोट कर लेना आप लोग। इससे भी अच्छा क्वेश्चन एक और दिया हुआ है देखो, वो भी करते हैं, ऐसे 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, इसी के साथ फिर हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखो क्या बोला है कि इफ़ द पॉलिनोमियल्स ax³ + 4x² + 3x - 4 एंड x² - 4x + a लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3। उसने क्या बोला है देखो कि अगर हम इस वाले पॉलिनोमियल को और इस वाले पॉलिनोमियल को x - 3 से क्या करें, डिवाइड करें, तो दोनों से सेम रिमाइंडर बचेगा। यानी कि देखो यहां हिंदी में भी लिखा है, यदि बहुपदों दिस एंड दिस को x - 3 से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल प्राप्त होता है। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, a का मान ज्ञात करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि उसने खुद बोला है कि x - 3 से इसको डिवाइड करना है और x - 3 से इसको डिवाइड करना है, यानी कि इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं और रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से, और इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं, दोनों का रिमाइंडर उसने बोला सेम है तो दोनों को बराबर पुट कर देंगे। तो जैसे ही बराबर करेंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, एक ही वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिखता हूँ देखो, तो सबसे पहले इस वाले को मैं थोड़े टाइम के लिए px बोल देता हूँ, ax³ + 4x² + 3x - 4, और इसको मैं fx बोल देता हूँ, x² - 4x और प्लस a। हमें क्या करना है, एक gx पॉलिनोमियल है x - 3, इससे क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद में दोनों का जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर दोनों का सेम करना है, और उसी के साथ हमारा a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखो क्या बोला, सबसे पहले x - 3 को किसके बराबर पुट कर लो, 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, 3। यानी कि हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की 3 के ऊपर वैल्यू निकालनी है, p3 आएगी, वही हमारा इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर हो गया, rp वाले पॉलिनोमियल का।
उसी तरीके से यहाँ एफ थ्री निकालना है एक्स बराबर थ्री पे इसकी वैल्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा आर एफ हो जाएगा रिमाइंडर ऑफ एफ वाले पॉलिनोमियल का, दोनों को बराबर पुट करना है और तो हमारे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको भी नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम क्या करते हैं ऊपर वाले को मिटा के मैं इसका सॉल्यूशन ऊपर लिखूंगा। तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, हमें क्या करना है इस पॉलिनोमियल की एक्स बराबर थ्री पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पी थ्री जो कि क्या होगा आर पी होगा, आर पी का मतलब है पी वाले पॉलिनोमियल का रिमाइंडर, तो कितना आएगा ए मल्टीप्लाई थ्री क्यूब प्लस फोर मल्टीप्लाई थ्री स्क्वायर प्लस थ्री मल्टीप्लाई थ्री माइनस फोर, तो कितना हो गया थ्री का क्यूब करोगे 27 आएगा, 27 आएगा, 27 को ए से मल्टीप्लाई करोगे 27 ए, फिर थ्री का स्क्वायर करोगे 9 फोर जा 36 प्लस 33 जा 9 माइनस 4, तो ये कितना हो गया 45 हो गया, 45 माइनस 4 करोगे तो 41 हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आया 27 ए प्लस 41 आ जाएगा आर पी की वैल्यू। उसी तरीके से आर रिमाइंडर निकालना है एफ का, तो हमें क्या करना है F3 की वैल्यू जो आएगी वही क्या होगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा F वाले पॉलिनोमियल का, तो वो कितना आएगा देखो 3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस A, तो यहाँ कितना होगा 3 स्क्वायर 9 9 माइनस करोगे 12, तो कितना आएगा माइनस का 3 प्लस A। अब उसने खुद बोला है कि इन दोनों के रिमाइंडर सेम मिलेंगे हमारे को, यानी हमें क्या करना है 27 A प्लस 41 को किसके बराबर करना है माइनस 3 प्लस A के, तो देखो A इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का ए हो जाएगा और ये उधर जाके किसका हो जाएगा 41 माइनस का हो जाएगा। देखो कुछ गलती तो नहीं हुई ना, एक बार देख लेते हैं वापस से क्वेश्चन सही लिखा है ना हमने, सही है ये वाला ही है यही यहाँ लिखा है ना, तो 3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 27 ए आएगा सही है, फिर ये 3 स्क्वायर 9 फोर जा 36 आएगा सही है, 33 जा 9 आएगा ठीक है माइनस 4 इसका इसमें प्लस करेंगे 45 आएगा, 45 माइनस 4 करेंगे 41 आएगा और 27 ए 41 ठीक है ये भी। फिर यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 43 जा 12 आएगा, 9 माइनस 3 करेंगे माइनस का 3 आएगा और प्लस का ए, ऐसे कैसे चल रहा है ठीक है ये भी। अब इसके बाद में क्या करना है हमें दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ देखो कुछ गलती तो नहीं हुई है ना, एक बार देख लेते हैं कहीं गलत आए फिर आंसर, तो देखो ये माइनस का ये इधर आ गया और ये 41 उधर जाके माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस 44 हो गया और ये 26 ए हो गया, तो ए की वैल्यू क्या हो गई माइनस 44 डिवाइड बाई 26 22 डिवाइड बाई 13, आगे भी सोल्व हो रहा है क्या, तो देखो ए की वैल्यू कितनी आई हमारे माइनस 22 अपॉन 13, तो एक बार आप लोग सोल्व करके देख लेना आई थिंक यही आंसर आना चाहिए, 4 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आई है तो मैं देखता हूँ। देखो यही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअल में क्या था क्वेश्चन, मैंने इसके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर यही आएगा, ओरिजिनल जो क्वेश्चन था वो क्या था यहाँ पे एक्स की पावर 3 थी, तो उसके अकॉर्डिंग इसका कुछ और आंसर आ रहा है इसलिए मुझे लगा कि कहीं गलत नहीं हो जाए, तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है इसका यही आंसर होगा, ये भी नोट कर लीजिए फिर आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसके ऊपर दो और अच्छे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसी के साथ फिर हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखो क्या बोला है, मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, मैं समझा देता हूँ इसको, आप लोग अगर हिंदी मीडियम से हो तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या बोला है कि लेट माना आर वन एंड आर टू आर द रिमाइंडर्स, रिमाइंडर्स मतलब शेषफल है व्हेन जब द पॉलिनोमियल्स एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ए एक्स माइनस सेवन एंड एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स आर डिवाइडेड, डिवाइडेड मतलब जब इनको विभाजित किया जाता है x प्लस ए एंड x माइनस टू रेस्पेक्टिवली। उसने क्या बोला है देखो कि जब इसको इससे डिवाइड किया जाता है तो r1 शेषफल आता है और इसको इससे डिवाइड किया जाता है तो r2 रिमाइंडर आता है शेषफल आता है। इसके अलावा उसने एक चीज और बोली है कि 2r1 प्लस r2 की वैल्यू कितनी है 6 है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो a है ना इसकी वैल्यू हमारे को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले उसने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। उसने क्या बोला है कि देख ध्यान से देखना, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः बोलते हैं हिंदी में,
इसका क्या मतलब हुआ कि जो पहले लिखा है उसको पहले वाले से डिवाइड करना। तो जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस वन बराबर जीरो पुट किया, यानी x बराबर माइनस वन। तो जब x बराबर माइनस वन के ऊपर इसको पी एक्स बोल दो तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो कितनी आएगी, R1 आएगी। उसने बोला है कि रिमाइंडर कितना आएगा, R1 आएगा। उसी तरीके से जब इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस टू बराबर जीरो, तो यहाँ से x बराबर टू आएगा। इसको मान लो कि इस वाले पॉलीनोमियल को हमने बोल दिया एफ एक्स, और ये पॉलीनोमियल क्या है, पी एक्स है। तो हमें क्या करना है, एफ टू की वैल्यू निकालनी है, सॉरी हाँ एफ टू की वैल्यू निकालनी है। वो कितनी आनी चाहिए, आर टू के बराबर आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम R1 और R2 की वैल्यू निकालते हैं, और फिर जो भी R1 और R2 की वैल्यू आएगी वो वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो हमारे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, A की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देखो ये वाला, तो फर्स्ट वाले को हमने इसको किससे डिवाइड करना था, इससे। तो देखो यानी कि पी माइनस वन निकालते हैं तो कितना आएगा, ये R1 के बराबर आएगा पहले वाले के रिमाइंडर के बराबर, तो कितना होगा माइनस वन की पावर थ्री हो जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, देखो जो भी काम की चीज़ है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ, केवल कन्फ्यूज हो जाओगे वरना कि क्या लिखवाया है। तो देखो हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना था और इस वाले पॉलीनोमियल को इससे डिवाइड करना था, और रिमाइंडर R1 R2 मिलेगा। हमें रिमाइंडर थ्योरम पता है, रिमाइंडर थ्योरम से जो R1 आएगा वो कितना आएगा, इसकी अंदर x बराबर माइनस वन की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इस पॉलीनोमियल में पुट कर दो, तो जो आएगा पॉलीनोमियल का वैल्यू निकल के आएगी, यानी मान निकल के आएगा बहुपद का, वही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। तो देखो p माइनस वन निकालते हैं तो कितना आएगा, ध्यान से देखो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस वन स्क्वायर माइनस फाइव ए मल्टीप्लाई माइनस ए और माइनस सेवन। तो देखो यहाँ कितना होगा, माइनस वन का क्यूब करोगे तो माइनस का वन आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और वन को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो कितना आता है, वन आता है। फिर माइनस वन का स्क्वायर करोगे प्लस का वन, प्लस वन को टू से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का टू। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, फाइव को ए से मल्टीप्लाई करोगे फाइव और माइनस सेवन। तो देखो माइनस वन और माइनस सेवन कितना हो गया, माइनस एट, प्लस टू करोगे तो माइनस का सिक्स प्लस फाइव ए। तो ये तो मिला हमारे को आर वन। उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, आर टू की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर टू कितना आएगा, इस पॉलीनोमियल की वैल्यू निकालनी है किसके ऊपर, x बराबर टू के ऊपर जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, हमारे इस पॉलीनोमियल का रिमाइंडर होगा, तो वो R2 बोला हुआ है। तो P2 निकालते हैं हम, तो P2 कितना आएगा, देखो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, टू का क्यूब प्लस ए मल्टीप्लाई टू स्क्वायर माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाई टू प्लस सिक्स होगा। तो टू का क्यूब करोगे तो एट होगा, टू का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, फोर ए, फोर होगा, फोर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे फोर ए हो गया, और टू टू जा ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स, तो आठ हो चाहे कितना हो गया, फोर्टीन हो गया। फोर्टीन माइनस ट्वेंटी फोर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का टेन आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, आर टू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस फोर ए, सॉरी फोर ए माइनस टेन आ गई। और उसने खुद बोला है कि टू आर वन प्लस आर टू कितना दिया हुआ है, सिक्स। तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, आर वन की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस सिक्स प्लस फाइव ए, तो माइनस सिक्स प्लस फाइव ए, और यहाँ कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, R2 की वैल्यू कितनी आई है, 4a माइनस टेन। तो ये कितनी हो गई, 4a माइनस टेन, ये किसके बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर। ये 2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो गया, माइनस ट्वेल्व प्लस टेन ए प्लस फोर ए और माइनस टेन बराबर सिक्स। माइनस ट्वेल्व और माइनस टेन कितना हो गया, माइनस ट्वेंटी टू, उधर जाके प्लस का ट्वेंटी टू हो जाएगा, तो छः प्लस ट्वेंटी टू, और इधर कितना हो गया, फोर्टीन ए हो गया, तो ये हो गया 28 हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिलेगी वो यहाँ निकाल देता हूँ मैं, 28 डिवाइड बाई 14 यानी कि 2। तो a की वैल्यू हमारे को कितनी मिल गई, 2 मिल गई। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर मैं नीचे वाले क्वेश्चन को यहाँ सोल्व कर दूंगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो क्या है, उसने क्या बोला है कि इफ यदि एफ एक्स बराबर एक्स पावर फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, ये जब पॉलिनोमियल एक बहुपद है सच दैट, इस तरीके का कि व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, कि यानी कि इस पॉलिनोमियल को जब एक्स माइनस एक से और एक्स प्लस एक से डिवाइड किया जाता है
तो द रिमाइंडर्स यानी कि जो शेष फल है वो क्या आएंगे, 5 और 19 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है समझो कि जब इस पॉलिनोमियल को x माइनस वन से डिवाइड किया जाता है तो 5 रिमाइंडर आता है, और जब इस पॉलिनोमियल को x प्लस वन से डिवाइड किया जाता है तो 19 यानी 19 क्या आता है, शेष फल आता है। तो हमें यह बताना है कि जब इस पॉलिनोमियल को x माइनस टू से डिवाइड किया जाएगा तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो देखो, हम अगर हमारे पास नॉर्मल पॉलिनोमियल होता है fx, a और b नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, x माइनस टू को जीरो के बराबर पुट करते हैं, यहां से टू x की वैल्यू 2 निकल के आती, और हम क्या कर लेते हैं, f की जो वैल्यू निकालते हैं वही क्या होता, इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता। तो अब सबसे पहले हमारे को क्या करना है, ध्यान से समझो, हमें केवल नॉर्मल, ये बहुत आसान है f2 निकालना, सबसे मुश्किल काम क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्या है a और b नहीं दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग यानी इसको इससे डिवाइड करके और इसको इससे डिवाइड करके जो रिमाइंडर है 5 और 19, इसका यूज करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो a और b की वैल्यू निकालेंगे, और a और b की वैल्यू निकालने के बाद में हमारे को क्या होगा, एक हमारा पूरा प्रॉपर एफ एक्स मिल जाएगा जिसमें ए और बी भी हमारे को पता होंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, इस वाले पॉलिनोमियल को जब इससे डिवाइड करना है तो एफ टू की वैल्यू निकालनी है, वही क्या होगा हमारा रिमाइंडर होगा। जैसे आर थ्री मान लो कि इसको हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आर थ्री आएगा, तो वो रिमाइंडर एफ टू की वैल्यू निकालनी है। बस टू की वैल्यू निकालने के लिए हमें ए और बी पहले से पता करने, तो उसने क्या बोला, देखो इस एफ एक्स को हम किससे डिवाइड करें, जब एक्स माइनस वन से, इसका मतलब जीरो पुट करो तो एक्स बराबर वन, तो जब हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू वन रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा रिमाइंडर, उसने बोला है 5 मिलेगा। उसी तरीके से जब x प्लस वन को जीरो के बराबर पुट करोगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू माइनस वन, यानी कि अगर हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस वन पे निकाल लें, क्योंकि वही तो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर निकालने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज कर रहे हैं बार बार, तो वो कितना आएगा, 19 आएगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, क्या करना है, एफ वन बराबर 5 करना है और एफ माइनस वन बराबर 19 करना है। यहाँ से दो इक्वेशंस मिलेगी, उनको सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है, फिर इसको एफ एक्स बनाना है, एफ एक्स प्रॉपर एफ एक्स निकालना है, उसके बाद में एफ टू निकालना है। तो बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन समझना आप लोगों को पड़ेगा, क्या बोला है कि इसको इससे डिवाइड किया तो इतना बचा, तो हमने डिवाइड कर लिया यहाँ पे, ये रिमाइंडर आएगा, ठीक है, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इतना आएगा, तो वो वाली कंडीशन लगा कि हमने इसका रिमाइंडर यहाँ निकाला है। अब एफ वन फाइंड करते हैं सबसे पहले, तो देखो इसके अंदर वैल्यू फाइंड करो, पुट करो, कितना आएगा, 1 पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर और माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस b, यही होगा। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5, तो 1 की पावर 4 कितनी भी हो तो 4 है यहाँ पे, तो 1 ही आएगा, 1 की पावर 3 ये भी बनाएगा, माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b बराबर 5, तो यहाँ क्या बना, देखो 3 और 1 4 4 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, 2 आ गया, और 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 करोगे तो 3 हो गया, मैं प्रॉपर लिख ही देता हूँ, देखो ये कितना हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया, और 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, और ये यहाँ हो गया माइनस ए प्लस बी, तो माइनस ए प्लस बी की वैल्यू तो हमारे को कितनी मिल गई, 3 मिल गई, ये इक्वेशन 1 नाम दे दो इसको। अब माइनस 1 के ऊपर वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगा, माइनस 1 की पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई माइनस 1 और प्लस b, ये कितना होना चाहिए, 19 होना चाहिए, क्योंकि उसने बोला है कि रिमाइंडर कितना आएगा, 19 आएगा, तो माइनस 1 की पावर इवन है तो 1 आएगा, माइनस 1 की पावर ओड है तो माइनस 1 आएगा, और माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, माइनस 1 की पावर फिर से इवन यानी सम है तो 1 आएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और माइनस माइनस प्लस का a और प्लस का b बराबर कितना हो गया, 19 हो गया। तो ये देखो जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 3 और 3 6 6, उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा, तो 19 में से 6 गया तो 13 बचा, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन है यानी जो समीकरण एक है उसके अंदर 2 जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, देखो माइनस ए प्लस बी बराबर 3 दिया हुआ है, और माइनस ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 13,
ए से सॉरी ए प्लस बी बराबर 13 भी है, ए और ए जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ना है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को जोड़ना है, माइनस ए प्लस ए 0 हो गया और बी बी कितना हो गया 2b और बराबर 16, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी मिल गई 16 और ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी मिल गई 8 मिल गई हमारे को। उसी तरीके से आप बी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो बी उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारे को 13 - 8 = 5, तो ए की वैल्यू भी हमने निकाल ली वो कितनी आ रही है 5 निकल के आ रही है। तो अब हमारा जो एफ एक्स है वो कितना बन जाएगा वो मैं यहां लिख देता हूं, देखो तो अब हमारे पास जो एफ एक्स है वो कितना हो गया x^4 - 2x³ + 3x² - a कितना आया 5, तो 5x हो गया और प्लस b कितना आया है 8, तो प्लस 8 हो गया, ये हमारा एफ एक्स मिल गया। अब हमें क्या करना है इस एफ एक्स को किससे डिवाइड करना है x - 2 से, तो रिमाइंडर बताना, तो क्या करोगे रिमाइंडर निकालने के लिए x - 2 को 0 के बराबर पुट किया तो x बराबर कितना आया 2 आया। अब इस 2 की वैल्यू निकाल लो x = 2 के ऊपर इस पॉलीनोमियल की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा हमारा रिमाइंडर था शेषफल होगा, तो वो वैल्यू मैं यहाँ निकाल देता हूँ f2 बराबर। अब ध्यान रखना हमारा पॉलीनोमियल ये है क्योंकि a और b की वैल्यूज हमने निकाल ली है, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं देखो 2 के लिए 2^4 - 2 × 2³ + 3 × 2² - 5 × 2 + 8 होगा, तो 2^4 करोगे तो 16 आएगा, 2^3 कितना होता है 8, 8 × 2 = 16 हो गया और 2×2 = 4, 4×3 = 12 और ये कितना हो गया माइनस का 10 हो गया 5×2 = और प्लस 8, तो देखो ये तो 0 हो गया, 8 और 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 - 10 करेंगे तो 10, यानी कि f2 की वैल्यू कितनी आई, यानी कि इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा हमारे को 10 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ा, उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टर थ्योरम को कवर करेंगे, फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने पहले ये आप 7th लेक्चर देख रहे हो तो इससे पहले आप शुरू के 6 लेक्चर्स को जरूर देखो, जिससे कि आपको 7th लेक्चर समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले सभी लेक्चर्स के अंदर आप लोगों के सारे डाउट्स को क्या कर सकूं, कवर कर सकूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और थैंक यू।